बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मजदूरों ने पुलिस आरक्षक अनिल तिवारी पर मारपीट का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि क्वारंटीन किए गए मजदूर खाने के बाद सेंटर से अपने घर जाने लगे थे। इसी बीच ड्यूटी पर तैनात पुलिस आरक्षक ने बहस करते हुए उनसे मारपीट किया और महिलाओं से दुर्व्यवहार किया। मजदूरों की शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है। साथ ही मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खाना खाता आ रहा था डंडे से मार। कौन मारा डंडे से? पुलिस वाला। क्यों मार दिया डंडे से? पता नहीं, सबको ऐसा मारा। सबको मारा? सबको मारा है। कौन मारा है? पुलिस वाला। अच्छा, कौन सा पुलिस वाला, जानते क्या? क्यों मारा, क्यों है पुलिस वाला? पानी पिया तो मार दिया। अच्छा, कितने पुलिस वाले थे? एक ही था। कितने लोगों को मारा है? तीन लोगों को मारा है। ये विवाद का कारण वो राहत शिविर जो मजदूर आए हुए थे, वो खाना खाने के बाद राहत शिविर बना रहे के बाहर आते जा रहे थे, तो उसी दौरान ये विवाद हुआ है कि उनको अंदर, तो उसने उस डंडा से मारा है, तो मुलाजा वगैरह उनको कराया गया है राहत शिविर। शराब पीने की शिकायत आई है? शराब पी आई है, उसका मुलाजा करवाया गया है। और बात खरसिया की होगी, जहाँ